शहडोल पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गुम हुए 143 मोबाइल लोगों को वापस लौटाए। वही मोबाइल धारकों का गुम हुए मोबाइल पाकर इनका चेहरा खुल उठा। SP अवधेश कुमार गोस्वामी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों के गुम हुए मोबाइल को पुलिस व साइबर सेल की मदद से फोन प्रेस कर लोगों के गुम हुए 143 मोबाइल वापस किए। इन मोबाइलों की कीमत लगभग 21 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही शहडोल पुलिस ने लोगों की परेशानी व थाना के चक्कर लगाने से बचने के लिए MP ईकॉप नाम से एक ऐप जारी किया है, जिससे लोग अब घर बैठे अपने मोबाइल गुम होने की शिकायत इस ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। बड़वाह में शराब माफियाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया तो वहीं उनके कब्जे से 240 लीटर कच्ची शराब जब्त की। इस दौरान पुलिस ने शराब माफियाओं के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। बता दें कि आगामी निकाय एवं पंचायत चुनाव को देखते हुए खरगोन पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देशन में शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते आज पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने दल गठित कर कई जगह छापेमारी कार्रवाई की है, जिसके चलते बड़ी संख्या में अवैध शराब जब्त की है। महितपुर में मुस्लिम समाज द्वारा भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर देश के गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन SDM कैलाश ठाकुर को दिया गया है, साथ ही कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद की शान में अपशब्द कहे थे, जिससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई है। ऐसे में महितपुर में भी मुस्लिम समाज द्वारा नुपुर शर्मा के खिलाफ एक ज्ञापन देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम SDM कैलाश चंद्र ठाकुर को सौंपा गया है। साथ ही तत्काल प्रभाव से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस दौरान शहर काजी मकसूद अली सहित अन्य समाज जन मौजूद रहे। उज्जैन में गायत्री परिवार के सदस्यों ने केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में कैदियों को जन पुरोहित का प्रशिक्षण दिया। ये प्रशिक्षण गायत्री परिवार के गुरुओं ने दिया। इस प्रशिक्षण में करीब 100 कैदी शामिल हुए। एक माह तक ये प्रशिक्षण चला। जेल अधीक्षक उषा राज ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण के दौरान जेल में आत्मशांति का माहौल रहा। हमारा उद्देश्य है कि रिहा होने के बाद बंदी धर्म के रास्ते पर चले अपने परिवार के साथ आध्यात्मिक तौर पर रहें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज नाम वापसी के दिन कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन फॉर्म वापस लिए। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद आप तस्वीर साफ होने लगी है कि किस क्षेत्र से कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहेंगे, कहां पर निर्विरोध प्रत्याशी को चुना जाएगा तो किस पंचायत में सरपंच पद के लिए कितने उम्मीदवार होंगे।